हमीरपुर सदन विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश देश का पहला एक ऐसा राज्य होगा जहां हर घर की रसोई में गैस कनेक्शन होगा। इस अवसर पर उन्होंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत 31 पंचायतों के 255 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए, जिसमें विकास खंड हमीरपुर की 16 पंचायतें, बमसन की 12 तथा भोरंज विकास खंड की 3 पंचायतें शामिल हैं। हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां हर घर की रसोई में गैस कनेक्शन होगा। वे आज हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर द्वारा एनजीओ भवन के परिसर में आयोजित गैस कनेक्शन वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत 31 पंचायतों के 255 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए, जिसमें विकासखंड हमीरपुर की 16 पंचायतें, बमसन की 12 तथा भोरंज विकासखंड की 3 पंचायतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर में इस योजना के तहत पिछले 1.5 वर्ष के दौरान पात्र परिवारों को 8258 निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं, जिसमें से 1410 गैस कनेक्शन केवल हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में महिलाओं के उत्थान तथा कल्याण के अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत महिलाओं को धुआं व चूल्हा जलाने तथा लकड़ियां एकत्रित करने से निजात मिलेगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी इसकी अहम भूमिका रहेगी। धुएं से निजात दिलवाने के लिए महिलाएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बची रहेंगी तथा खाना गैस पर पकाने के फलस्वरूप उनके समय की भी बचत होगी। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद महिलाओं की समस्या की ओर विशेष ध्यान देना तथा उसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र की भाजपा सरकार तथा हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्व के शासनकाल के दौरान उज्ज्वल योजना के तहत देश की 5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये जमा होंगे, जिससे वे उत्तम किस्म के बीज तथा रसायन खरीदकर कृषि उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। इससे पहले जिला निरंतरक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हमीरपुर शिवराम राही ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा उन्हें शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया। उपस्थित लोगों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षता राजकुमारी, मंडलाध्यक्ष बलदेव दीवान, हमीरपुर गैस सर्विस तथा शहीद सुरजीत सिंह गैस सर्विस के मालिक हरीश नंदा तथा संजीव डंडवाल के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।